कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत और नाजुक हो गई है। राजू अभी वेंटिलेटर पर है और 9 दिनों से उन्हें होश नहीं आया है। डॉक्टर ब्रेन के ऊपरी हिस्से का इलाज कर रहे थे, इसी बीच बीपी भी फ्लक्चुएट करने लगा है। ऐसे में डॉक्टरों ने कहा है कि राजू की हालत पहले से गंभीर हुई है। जयपुर में आज सुबह करीब 5 बजे एक पुजारी ने खुद को आग लगा ली। पुजारी ने विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष मूलचंद मान के घर के बाहर जाकर लगाई। वह लगभग 60% जल गए। आग की सूचना मिलने पर मंदिर में रह रहा पंडित का परिवार मौके पर पहुंचा, पंडित को बचाने की कोशिश की। फिलहाल पंडित गिरिराज शर्मा का एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में उपचार चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को अपने कब्जे में ले लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में शहीद हुए सीकर के कांस्टेबल सुभाष चंद्र बेरवाल का उनके पैतृक गांव शाहपुरा में अंतिम संस्कार कर दिया गया। जवान को श्रद्धांजलि व अंतिम विदाई देने के लिए बारिश के बीच भी हजारों लोग जुटे। आईटीबीपी कांस्टेबल सुभाष को उनके छोटे भाई मुकेश ने मुखाग्नि दी। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के हरिहरेश्वर तट पर गुरुवार सुबह 8 बजे के करीब समुद्र में एक संदिग्ध बोट मिली। बोट से 3 AK-47 और बुलेट्स बरामद किए गए। हरिहरेश्वर तट से करीब 32 किलोमीटर दूर भारत खोल में एक लाइफ बोट भी मिली, जिसके बाद आतंकी साजिश की आशंका जताई गई। पुलिस ने बोट को रस्सी के सहारे किनारे खींचा। इसमें काले रंग के बॉक्स में AK-47 और गोलियां थी। पुलिस ने बताया कि जिस बॉक्स में हथियार रखे हुए थे उस पर अंग्रेजों ने नेपच्यून मैरिटाइम सिक्योरिटी लिखा हुआ है। यह कंपनी ब्रिटेन की है।